दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रियांश अमृत जूस, अकेला अमृत जूस आपके बॉडी के कौन कौन से बीमारियों के ऊपर काम कर सकता है, उसका इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। तो दोस्तों, चैनल के ऊपर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और रियांश मल्टी ट्रेड के रिगार्डिंग, रियांश अमृत जूस के रिगार्डिंग अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको इस चैनल के थ्रू मिल सकती है। तो ज़रूर दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन हिट, और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अमृत जूस के बारे में ए टू जेड जानकारी मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अमृत जूस के अकेले के फ़ायदे के बारे में, यानी कि इसके साथ में आपको कोई दूसरा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको खाली अमृत जूस कौन कौन से फ़ायदे दे सकता है, आज इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला अगर फ़ायदा अगर कंपनी आपको रियांश अमृत जूस अगर आपको दे रहा है तो पहला फ़ायदा होगा वो है इम्यूनिटी बूस्टर। यस दोस्तों, ये आपके शरीर के अंदर सबसे पहला जो काम करता है वो आपके अंदर एक्टिवनेस लाता है, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, और आपके शरीर में एनर्जी टाइप यानी कि एक ऊर्जावान आपके शरीर को बनाता है। ये पहला फ़ायदा आपको रियांश अमृत जूस प्रदान करता है। दूसरा फ़ायदा जो होता है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि आपकी पाचन क्रिया को सुधारने का काम ये करता है। यानी कि किसी को गैस के प्रॉब्लम, लैट्रिन, टॉयलेट, पेशाब वगैरह अगर ठीक से समस्या अगर नहीं आती होंगी या फिर आने में कोई दिक्कत होगी तो उसको प्रॉब्लम को, समस्या को, जड़ को, जड़ से निकालने का काम कौन करेगा, अमृत जूस। ये दूसरा फायदा आपको करता है। तीसरा फायदा जो आपको देता है वो है एसिडिटी, यानी कि अपचन, एसिडिटी के प्रॉब्लम यानी कि पित्त का प्रॉब्लम जिसको हम कफ वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को भी ये जड़ से खत्म करने का काम करता है, कौन, अमृत जूस। इसके साथ में दोस्तों, सोरासिस जैसे प्रॉब्लम, यस दोस्तों, सोरासिस आज अगर देखा जाए एक जाने माना और बहुत ही खतरनाक, भयानक ऐसा एक बीमारी है वो, जो कि इलाज आज डॉक्टरों के पास भी नहीं है, वो आपको इलाज अमृत जूस करके दे सकता है। क्योंकि दोस्तों, इसके अंदर ऐसे कंटेंट 42 कंटेंट है जो स्पेशली आपके स्किन के और फंगल के प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकता है स्पेशली। हाँ, तो इसके साथ में दोस्तों, पिस्टुला के प्रॉब्लम्स, किसी को भगंदर का प्रॉब्लम होता है, अल्सर का प्रॉब्लम होता है, पिस्टुला का प्रॉब्लम होता है, यस रेडिकल कैंसर हम जिसको बोलते हैं वो भी होता है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्यूशन अमृत जूस कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, किसी का कान यानी कि कान में से खून बहना या फिर बास आना, स्मेल आना, तो इस तरह से अगर प्रॉब्लम होंगे कान के तो वो भी सॉल्व हो सकता है अमृत जूस की तरह। इसके अलावा दोस्तों, छोटे बच्चों के प्रॉब्लम्स यानी कि छोटे बच्चों में कमजोरी या फिर उनकी याददाश्त कम या फिर कुछ साइको जैसे प्रॉब्लम्स अगर कुछ होंगे तो उनको भी अगर दिया तो छोटों बच्चों के लिए भी ये बहुत ही कारगर हो सकता है अमृत जूस। इसके अलावा दोस्तों, दमा का, अस्थमा का पेशेंट अगर कोई होगा तो, यानी कि सांस का प्रॉब्लम, जिसके भी सांसों के प्रॉब्लम होंगे उनको ये अमृत जूस एक रामबाण है, यानी कि उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है अमृत जूस। सांस का प्रॉब्लम, दमे का प्रॉब्लम या फिर आपका जिसको हम अस्थमा वगैरह या फिर वात के वगैरह प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं आमवात, संधिवात या फिर कुछ भी ऐसे अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो उसको भी अपना ये फायदेमंद है खाली अमृत जूस। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं खांसी, यानी कि खांसी के प्रॉब्लम्स किसी को भी होंगे या कफ है प्रॉब्लम, यानी कि दिन भर खांसते रहना या फिर एक बार अगर खांसी आ गई तो रुकना नहीं, ऐसे अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो वो भी अमृत जूस से सॉल्व हो सकते हैं। किसी का टीबी का इशू होता है, टीबी के अगर बीमारी है तो वो भी इससे सॉल्व हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है, किसी चीज़ से एलर्जी है या फिर शरीर की एलर्जी है और आपका शरीर हमेशा खुजाते रहना या फिर पूरा दिन भर परेशान रहना शरीर के एलर्जी को लेकर, धूप में नहीं चल सकते या फिर खुजली आपको इतना होता है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो उस तरह से अगर कुछ प्रॉब्लम होंगे तो वो भी आपके अमृत जूस से सॉल्व हो सकते हैं। इसके अलावा ब्लड कैंसर जैसे भयानक बीमारी, अमृत जूस से आपकी सॉल्यूशन आपको मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए, जिन लोगों को डायलिसिस, कीमो जैसे पेशेंट्स या फिर रेडिएशन जिनको भी ट्रीटमेंट हुआ है, उन सभी लोगों के लिए अमृत जूस बहुत कारगर है। और कैंसर में किसी भी प्रकार का कैंसर रहने दो, चाहे वो हार्ट कैंसर रहने दो, ब्लड कैंसर रहने दो, कैंसर का कुछ भी प्रॉब्लम होगा यानी कि कैंसर कौन से भी शरीर का अंग का कैंसर होगा तो 100% इलाज है अपने अमृत जूस के। यानी कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज का कैंसर तो 100% गारंटी है, और अगर फाइनल स्टेज का अगर कोई पेशेंट हो तो उसको हम 90% गारंटी उसका ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से ये
बेवरेजेस कारगर है। इसके अलावा जिनको एड्स के प्रॉब्लम है उनको भी ये दे सकते हैं। इसके अलावा किसी को पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, लकवे का जिसको हम बोलते हैं, राइट, तो वो भी हम इससे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा थायराइड जैसा प्रॉब्लम, यस थायराइड आज स्पेशली मेंस या फिर फीमेल्स में किसी में भी अगर होगा तो हम इसको अमृत जूस अकेला भी दिया तो भी क्लियर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा हर्ट्स प्रॉब्लम यानी कि हर्ट डैमेज हुआ, हर्ट्स के ऊपर सूजन है या फिर नसों में सूजन है या फिर कुछ भी जो भी पेट के अंदरूनी प्रॉब्लम्स है वो सभी प्रकार के सॉल्यूशन आपको अमृत जूस कर सकता है। इसके अलावा आपके जो सफ़ेद कोड जिसको हम बोलते हैं ना, सफ़ेद कोड, यस, वाइट धब्बे वगैरह अपने शरीर के पूरे बॉडी के अंदर फैलना जिसको हम बोलते हैं सफ़ेद कोड जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो अगर किसी को होगा तो वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अमृत जूस के जरिए। इतना ही नहीं दोस्तों, शरीर में एनर्जी एक्टिवनेस वो तो लाता ही लाता है, बट अगर किसी को वजन कम करना है, बढ़ाना है, तो अमृत जूस, किसी को भूख नहीं लगता है, कम लगता है तो भूख बढ़ाना है ना, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की जड़ खाली अपना अमृत जूस कर सकता है आपको। तो इतना ही नहीं, ऐसे बहुत अनगिनत फायदे हैं अमृत जूस के लेने से, बट ओनली अमृत जूस से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको बवासीर में, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट आपको किडनी स्टोन में, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको जितने भी मैंने इस वीडियो के अंदर अभी तक बताए उस सभी के ऊपर आपको प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन अमृत जूस कर सकता है। किसी अगर महिला होगी, लेडीज़ होंगे, तो लेडीज़ का बालों का झड़ना या फिर कमर दर्द वगैरह है ना, जोड़ों का दर्द वगैरह, ये सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर काम कौन करता है, अमृत जूस। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन है ओनली एंड ओनली अमृत जूस। तो आप किसी को भी, जितने भी मैंने बीमारियों के नाम बताए, अगर इसमें से कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर आज ही ऑर्डर करें अमृत जूस के, रियांश अमृत जूस को, और दोस्तों अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पाए। क्योंकि दोस्तों दवाखाने में आप जितना इन्वेस्ट करेंगे, जितना खर्च करेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके बढ़ेंगे, क्योंकि जो भी दवाखाने की मेडिसिन या फिर जो भी ट्रीटमेंट आप लोग ले रहे हैं वो आज ना कल आपको उसका साइड इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि हर एक दवा के अंदर आज केमिकल मिक्स है। तो केमिकल से आप दूर रहें और आयुर्वेदा को अपनाएं, और ये जितना भी अमृत जूस दिख रहा है वो टोटली आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ये 42 वनस्पति है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये वनस्पति होने की वजह से आप इससे हर एक दवा का, हर एक बीमारी का इलाज कर सकते हैं और अपने शरीर को केमिकल फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इसकी ज़रूरत है हर एक परिवार में, हर एक फैमिली में, तो आज ही मंगाए। नीचे दिए गए स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा होगा, ऑर्डर करें, इन्फॉर्मेशन ले, और दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे नई इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय रियांश, थैंक यू सो मच।